यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओम प्रकाश राजभर ने किया समर्थन, कहा कुर्मी मतदाता बीजेपी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बीजेपी से नजदीकियों के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विवाद जारी है। विपक्ष बीजेपी पर सियासी फायदा लेने का आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर उन्होंने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया था। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए देश में एक कानून होना चाहिए। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि इस बार ओम प्रकाश राजभर के बिना दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कुर्मी मतदाता अखिलेश यादव के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हैं। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पर अभी तक पत्ता नहीं खोला है। पिछले दिनों वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठने लगे थे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण को शादी की शुभकामनाएं देने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बलिया सांसद वीरेन सिंह समेत कई बीजेपी विधायक पहुंचे थे। बीजेपी को हराने के लिए पटना में आयोजित विपक्ष दलों की बैठक को सुबह सपा अध्यक्ष ने अच्छी पहल बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।